गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोर मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 हेव्स एंड क्वार्टर्स। मिंटू कैट एंड मोटू कैट वर फ्रेंड्स। इधर लिखा है कि दो कैट थी, एक का नाम है मिंटू और एक का नाम है मोटू, वो दोनों फ्रेंड्स थी। वंस दे स्टोल अ चपाती फ्रॉम मलिनीज किचन। एक दिन क्या करती है, वो चपाती चुरा लेती है। आई विल टेक किट सेड मिंटू। मिंटू बोलती है कि ये चपाती तो मैं खाऊंगी। नो आई विल टेक इट सेड मोटू। तो मोटू बोलती है नहीं, ये चपाती तो मैं खाऊंगी। तो दोनों जो कैट होती है वो एक दूसरे से झगड़ा करने लगती है कि ये चपाती तो मेरी है। तभी क्या होता है, एक मंकी आता है बीच में, ये देखिए आपको दे रखा है, ठीक है। वो पूछता है हाय व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम लोग झगड़ा कर रही हो। वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस। तो ये कैट क्या बोलती है कि हमें ये नहीं पता कि ये जो एक चपाती है इसको हम आपस में कैसे बांटें, हम आपस में कैसे डिवाइड करें। तो जो मंकी होता है वो बोलता है ओके डोंट वरी, आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू। तो मंकी क्या बोलता है कि ये जो चपाती है इसको मैं इक्वली बराबर, ठीक है, दो बराबर तुम दोनों में मैं ये डिवाइड कर दूंगा। ही सेड क्लेवर टी टू डिवाइड द चपाती लाइक दिस। अब वो चपाती को देखो डिवाइड करता है ऐसे, जैसे आपको पिक्चर में दे रखा है। दीज आर नॉट इक्वल। अब जब वो डिवाइड तो कर देता है, ठीक है, मगर जो बिल्ली होती है ना, ये जो कैट्स होती है, ये बोलती है कि नहीं ये तो बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए इसके दो, इसने डिवाइड कर रखी है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो चपाती है वो बड़ी दिख रही है और जो राइट साइड में जो चपाती है वो थोड़ी कम है, छोटी है वो, ठीक है, इसलिए वो बोलती है द लेफ्ट पार्ट इज बिगर, ये जो लेफ्ट पार्ट है ये बिगर है। मिंटू एंड मोटू सेड, दोनों ये कैट जो होती है ये बोलती है कि लेफ्ट पार्ट बड़ा है और ये राइट साइड छोटा है। तो मंकी क्या बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं। ही देन कट अ पार्ट ऑफ लेफ्ट पीस एंड ईट इट। तो क्या करता है, जो चपाती बड़ी थी लेफ्ट साइड पे उसमें से वो थोड़ा काट के खा जाता है। ओके ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर। अब वो खा जाता है, अब क्या होता है, इतना ज़्यादा खा जाता है कि राइट पार्ट बिगर दिखना लगता है, ठीक है। तो कैट बोलती है नहीं नहीं अब तो ये राइट पार्ट बिगर दिख रहा है, अब ये वाली बड़ी दिख ली है। आई एम सॉरी। तो टीटू बोलता है कि ठीक है सॉरी। ही कट अ पार्ट फ्रॉम बिगर पीस। फिर क्या करता है, वो इधर से भी कट कर देता है और खा जाता है। वेन देयर वॉज ओनली अ स्मॉल पीस रिमेनिंग। अब क्या होता है, इधर से तो उसने पहले खा ही ली होती है रोटी, इधर से भी वो कट कर देता है, अब थोड़ी सी चपाती बचती है, तो वो क्या करता है, वो बाकी जो बचा कुचा होती है चपाती वो भी खा जाता है और बोलता है दिस इज़ माई शेयर फॉर द वर्क। ये जो मैंने जो शेयर की ना तुम दोनों के लिए रोटी, ये जो मैंने काम किया, तो अब ये जो बचा कुचा शेयर है वो मेरा है। तो वो क्या करता है, जल्दी से बची कुची जो चपाती होती है वो खा जाता है और क्या करता है, ट्री पे क्लाइंब हो जाता है, यानी ट्री पे चढ़ जाता है। नाउ कम टू पेज नंबर 95। हाफ हाफ, हाफ हाफ मतलब आधा आधा। इफ द कैट आस्क यू टू डिवाइड चपाती इक्वली, ठीक है, हाउ विल यू डिवाइड इट। अभी हमने स्टोरी में क्या पढ़ा कि चपाती जो डिवाइड करता है, मंकी करता है डिवाइड, मगर वो इक्वली डिवाइड करता है नहीं। तो इसमें लिखा है अगर कैट्स आपको बोले, ठीक है, कि एक चपाती है उसको आप इक्वली डिवाइड करें, तो आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे आप। तो देखो इधर मैंने लिखा है आई विल फोल्ड दी चपाती इंटू टू हेव्स, ठीक है, मैं बीच में से ये चपाती फोल्ड कर दूंगी। एज अ सर्कल वॉज फोल्डेड इन द प्रीवियस टू लोकेट दी सेंटर, ठीक है, चपाती को हम फोल्ड कर देंगे। और एंड आई विल टीयर दैम अपार्ट फ्रॉम द क्रॉस्ड लाइन, और जो बीच में जो लाइन पड़ेगी उधर से मैं उसको टीयर कर दूंगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी। इफ़ यू डू नॉट चीट लाइक टीटू द कैट्स विल हैव दीज पार्ट्स, ठीक है, मगर आपको टीटू की तरह चीट नहीं करना है। तो ये देखो इक्वली मैंने चपाती डिवाइड कर दी, आपको एक चपाती लेनी है, बीच में से उसे फोल्ड करना है और जो बीच में लाइन पड़ेगी उधर से आपको कट कर देना है, टीयर कर देनी है, तो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे चपाती के। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फोल्ड दी चपाती इनटू टू हेव्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया टू हेव्स में चपाती को फोल्ड करना है। देन अगेन आई विल फोल्ड इट इन फर्दर टू हेव्स। अब इधर आएगा, हमने इधर पढ़ा था हाफ हाफ, ठीक है, आधा आधा। अब इधर हम नीचे क्या पढ़ेंगे, हाफ ऑफ हाफ,
आधे का आधा, हाफ ऑफ हाफ का मतलब क्या होता है, आधे का आधा. इफ टू मोर कैट्स कम फॉर फूड, सपोज कर लो पहले तो दो ही कैट थी, मगर दो और कैट अगर रोटी खाने के लिए आती है तो आप एक चपाती के कैसे चार हिस्से करेंगे. पहले तो दो कैट थी तो हमने बीच में से चपाती को फोल्ड कर दिया, ओके. मगर अगर यही चपाती है वन और चार कैट है तो आप कैसे इक्वली डिवाइड करेंगे. ईच ऑफ अस गॉट अ क्वार्टर ऑफ चपाती. क्वार्टर यानी ये देखिए चपाती है, ऐसे आ जाएगा, यानी ए वन टू थ्री फोर, फोर पार्ट्स हो जाएंगे चपाती के, ठीक है. जो फोर पार्ट्स होते हैं चपाती को उसको हम बोलते हैं क्वार्टर, ओके. तो हम क्या करेंगे, पहले वन फोल्ड करेंगे और उसके बाद दूसरा एक फोल्ड करेंगे, तो उसके चार पार्ट्स हो जाएंगे जिसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे कैट्स में. अब हाफ ऑफ पड़ा, हाफ ऑफ हाफ पड़ा, हाफ ऑफ हाफ मैंने यही आपको बताया आधे का आधा. अब हम इधर नीचे पढ़ेंगे हाफ ऑफ मैनी पीसेस. बहुत सारे पीस हो और उसका अगर आपको हाफ करना हो. रानी गॉट अ चॉकलेट. अब रानी के पास एक चॉकलेट है, शी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गेव हाफ टू हर फ्रेंड रीना, ठीक है. रानी क्या करती है, ये जो चॉकलेट का पीस है इसको इक्वली डिवाइड करती है और अपनी फ्रेंड रीना को देती है, ठीक है. ऐसी चॉकलेट आप खाते ही हो जैसे डेरी मिल्क है. सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट. ये टोटल पूरे एक ब्लॉक है चॉकलेट का. अब आपको बताना है अगर इसमें से वो हाफ करके अपनी फ्रेंड को देती है तो वो कितना पार्ट अपनी फ्रेंड को देगी. तो ये देखिए मैंने सर्कल कर रखा है, ओके. इतना पार्ट वो ले लेगी, इतना पार्ट अपनी फ्रेंड को दे देगी. नेक्स्ट पेज 96. हाउ मैनी पीसीस ऑफ चॉकलेट आर देयर. अब आपको बताना है वो चॉकलेट देख के कि चॉकलेट के कितने पीसीस है, तो आप काउंट करेंगे तो देयर आर सिक्स पीसीस ऑफ चॉकलेट. हाउ मैनी पीसीस वर लेफ्ट विद रानी. अब रानी ने अपनी फ्रेंड को सिक्स पीसीस दे दिए चॉकलेट के, ठीक है, हाफ दे दी, तो उसके पास कितने पीस रहेंगे. रानी गेव हाफ ऑफ हर चॉकलेट टू हर फ्रेंड रीना. रानी वॉज लेफ्ट विद रिमेनिंग हाफ, डेट इज थ्री पीसीस, ठीक है. ये देखिए ये हाफ उसने अपनी फ्रेंड को दे दिए, ठीक है, ये हाफ हो गया. ये टोटल सिक्स पीस है, सिक्स में से थ्री उसने अपने फ्रेंड को दे दिए, तो उसके पास कितने बचे, थ्री पीसीस ऑफ चॉकलेट. इसलिए मैंने इधर लिखा है शी विल लेफ्ट विद रिमेनिंग हाफ. रिमेनिंग हाफ यानी कितने पीस बचेंगे उसके पास, थ्री पीस. हाँ, हाफ अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज अ होल चॉकलेट, ठीक है. तो हमने हाफ हाफ पढ़ा, ठीक है, हाफ ऑफ हाफ पड़ा और हाफ ऑफ मैनी पीसेस पड़ा. अब इधर है मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट. यानी इसका मतलब क्या है, अगर कोई हम शीट लेते हैं उसका अगर हम आधा करते हैं हाफ शीट, ठीक है, तो हाफ शीट में से भी हम बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं. टेक अ पीस ऑफ पेपर. आपको एक पेपर लेना है, कट द शीट इंटू टू इक्वल ट्राइंगल्स. और आपको वो शीट को इक्वल ट्राइंगल्स में कट करना है, दोनों इक्वल होने चाहिए. सो डैट ईच ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ शीट. शेड टू ट्राइंगल्स विद डिफरेंट कलर्स, ओके. ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दिस ट्राइंगल्स, वन सच शेप इज शोन बिलो. यानी हमें ट्राइंगल्स यूज करके, दो इक्वल ट्राइंगल्स यूज करके हमें डिफरेंट शेप्स बनाने हैं. तो देखिए एक शेप आपको दे रखा है, ओके. ये भी मैंने एक शेप बना दिया, इधर रेड एंड ग्रीन, इधर रेड कलर कर दो, इधर ग्रीन कर दो. इधर भी देखो ये दोनों शेप्स, ये दोनों ट्राइंगल है, ओके. इस ये भी एक पूरा शेप बन गया, ये भी दोनों ट्राइंगल है, ओके. अब है मैनी वेज टू कट इन टू हाफ. अब बहुत सारे वेज होते हैं कि हम हाफ में कट कर सके. आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स लाइक दिस. अब देखो इसने, ये बॉय ने एक रेक्टेंगल बनाया है, ठीक है, और उसके दो इक्वल पार्ट करे हैं ऐसे. ईच पार्ट इज हाफ, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है. और हाफ को हम कैसे लिखते हैं, हमेशा वन अपॉन टू. इट मीन्स वन पार्ट आउट ऑफ टू, यानी टोटल कितने पार्ट्स है, टू, ओके. यानी वन अपॉन टू. यू कैन चेक इफ दिस पार्ट्स आर इक्वल. अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं. ट्राई कीपिंग वन ऑन टॉप ऑफ अदर. अगर आप एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रख के देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वल है या
नहीं. नाउ कम टू पेज नंबर 97. इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल इंटू हाफ. अब इधर हमसे पूछा है आप रेक्टेंगल को हाफ में कितने तरीके से कट कर सकते हैं. ड्रॉ फाइव डिफरेंट वेज. तो ये देखिए ये सभी रेक्टेंगल्स दिए गए हैं, इनको मैंने इस तरह हाफ में कट किया है, ठीक है, बराबर में. कैन यू चेक इफ दिज आर इक्वल. आप चेक कर सकते हैं कि ये इक्वल है या नहीं. यस, हम कैसे चेक करेंगे, एक पार्ट को अगर हम दूसरे पार्ट के ऊपर रखते हैं तो दोनों सेम होने चाहिए तभी वो इक्वल होंगे. और अगर वो एक सेम नहीं होते यानी आपने प्रॉपरली उसे कट नहीं किया है. ये देखिए सबके दो दो पार्ट्स मैंने बना दिए, ये भी हाफ है ये भी हाफ. ओके, अब हमने हाफ पढ़ा. अब इधर हम पढ़ेंगे मैनी वेज टू मेक क्वार्टर्स. क्वार्टर्स मैंने आपको बताया था, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4. आई मेक फोर पार्ट्स लाइक दिस. ये एक रेक्टेंगल है, इसमें इसने टोटल फोर पार्ट्स बना दिए, 1, 2, 3, 4. ईच पार्ट इज अ क्वार्टर. हर एक पार्ट क्या है, क्वार्टर. एंड आई कैन राइट इट एज. क्वार्टर को हम कैसे लिखते हैं, हमेशा 1/4. इट मीन्स 1 part out of 4. इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन यू कट अ रेक्टेंगल. अगर अब जैसे इधर ऊपर हमने हाफ किया था, ऐसे ही हमें रेक्टेंगल को फोर पार्ट्स में कट करना है यानी क्वार्टर में. तो देखिए मैंने किया है 1, 2, 3, 4. इधर भी फोर पार्ट्स है, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ओके, ये डिफरेंट वेज हैं जिसमें मैंने रेक्टेंगल को फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है, इक्वल फोर पार्ट्स में. आप इन्हें चेक कर सकते हैं कि इक्वल है या नहीं. तो हम लिखेंगे यस. कैसे, आप एक के ऊपर एक पार्ट रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से इक्वल है या नहीं. नाउ पेज नंबर 98 पे जो है कटिंग द केक. ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. और पेज नंबर 97 तक का मैं आपको ये वीडियो सेंड कर रही हूँ, ये आपको प्रॉपरली सुनना है. ओके, और जो भी पीडीएफ है वो आपको टेक्स्ट बुक में, इन अ टेक्स्ट बुक इट्सेल्फ आपको कंप्लीट करना है. टिल देन गुड बाय.